Hey guys, welcome back to my channel. I am Simanto and this is the Captured Pixels. आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोया की दो बेहतरीन माइक्स के बारे में, जो कि है बोया BY-M1 और बोया BY-MM1. एक उनमें से लेवलियर माइक है, एक उनमें से शॉटगन माइक है, और इन दोनों माइक की खासियत मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू चेंज द लाइटिंग. दिस इज़ मच बेटर, इजंट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज मैं जिन दो माइक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो दोनों माइक्स स्पेशली यूज़ होती हैं व्लॉगिंग में, या तो इंडोर शूट्स, या तो आउटडोर शूट्स, या तो डॉक्यूमेंट्री और वीडियो शूट्स में. इन दोनों माइक्स की खासियत ये है कि ये पोर्टेबल है, आराम से आपके पॉकेट में भी आ सकती है, और इसे आप अपने बैग में लेकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो दीज आर क्वाइट पोर्टेबल एंड क्वाइट कॉम्फी एंड क्वाइट हैंडी. 2021 में अगर आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली ऑन यूट्यूब लाइक मी, उसके लिए फिर यू शुड प्रिफर दीज टू माइक्स इफ़ यू वॉन्ट अ माइक विच परफॉर्म्स वेरी वेल, विच हैज़ क्वालिटी नॉइज़ रिडक्शन एंड विच प्रोड्यूसेस अ वेरी ग्रेट क्वालिटी ऑफ ऑडियो आउटपुट. इफ़ यू वॉन्ट ऑल दीज क्वालिटीज इन बजट, देन दीज टू माइक्स आर द वंस टू लुक आउट फॉर. चलिए मैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इनबॉक्स एक्सेसरीज इन माइक्स के साथ क्या क्या आती हैं और इन माइक्स को यूज़ कैसे करना है. सो गाइस, ये है बोया BY-M1 जो कि लेवलियर माइक है. ये उसका बॉक्स जो कि आपको मिलता है अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो. और ये रहा माइक का वायर. ये जो फोम विंड स्क्रीन है, ये हेल्प करती है नॉइज़ को रिड्यूस करने में अगर किसी विंडी जगह पे, या तो अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो जो फ़ैन की हवा होती है, या तो जनरल जो एक बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है उसको कुछ हद तक कैंसिल करता है. और ये क्लिपर है आपके शर्ट या टी शर्ट पे इसको क्लिप करने के लिए. ये रही फ्रेंड्स वो माइक, मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ द LR44 बैटरी जो कि आपको इनबॉक्स एक्सेसरीज के साथ ही मिलती है. और ये बैटरी आप यहाँ पे फिट करो, इसको लॉक करो, और उसके बाद ये दो सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. एक है कैमरा, अगर आप इसे DSLR कैमरा के साथ इस वायर को लगाना चाहते हो, ये माइक यूज़ करना चाहते हो, तो उस मोड पे इसको ऑन करो, और उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैमरा पे, जो कि माउंट होगा किसी ट्राइपॉड पे, या तो आप हैंड हेल्ड कैमरा यूज़ करोगे तो. और अगर फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हो, स्मार्टफोन के साथ, तो ये है उसकी सेटिंग नीचे वाली, इस पर स्विच कर दो आप, और ये फिर स्मार्टफोन के साथ यूज़ हो जाएगी. और काफ़ी सिंपल है इसका सेटअप. और ये रहा वो 3.5mm जैक जो कि आपके स्मार्टफोन में जाता है, और अगर कैमरा है तो कैमरा में यूज़ होगा. और फ्रेंड्स, इसके साथ दो तीन और चीज़ें मिल जाती हैं हमको बॉक्स में देखने के लिए. ये मैनुअल है जो कि इंडियंस कभी नहीं पढ़ते हैं. और ये वारंटी कार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख सकते हो अपने साथ, बाद में काम आ सकता है अगर कोई डिफेक्ट आया, अगर कोई प्रॉब्लम आई इस माइक के साथ. वैसे मेरे एक्सपीरियंस से तो ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं है अभी तक. मुझे 1 month हो चुके हैं इस माइक को यूज़ करते हुए. एक सिलिका जेल का पैकेट मिलता है, और एक 1x4 inch का अडैप्टर अगर गिटार या किसी और इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट में आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वहाँ से भी वो ऑडियो आउटपुट रिकॉर्ड कर सकता है. बोया BY-M1, इसके बॉक्स के साथ ये सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती हैं. सो दैट्स इट. अब मैं आपको दिखाता हूँ बोया BY-MM1 का बॉक्स और उसकी इनबॉक्स एक्सेसरीज. सो गाइस, ये रही बोया BY-MM1 माइक जो कि शॉटगन माइक है. और इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें आपको कोई बैटरी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी. सो काफ़ी फ्रीडम है इसको यूज़ करने में. ये इसका डेड कैट है
बेसिकली एक विंड चीटर, तो जहाँ पे काफ़ी विंडी एरिया होता है, विंडी एनवायरनमेंट होता है, काफ़ी ब्रीज होता है, तो वहाँ पे आप इसे इस पे फिट कर सकते हो एंड देन यू कैन शूट ऑन द गो। काफ़ी हद तक नॉइज़ रिड्यूस करता है। और मेरे जैगर फूड वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं ऐसी जगह था कुछ टाइम के लिए जहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, सो इस माइक ने और इस डेड कैट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी हद तक नॉइज़ रिड्यूस हुई थी वहाँ पर। इसके साथ हमको इनबॉक्स एक्सेसरीज़ में मिल जाता है एक मैनुअल जो कि हम फिर से नहीं पढ़ते हैं, और वारंटी कार्ड जो कि ज़रूरी है, और कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं बोया के, तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे घर पे लगा सकते हैं या अपने सर पे भी लगा सकते हैं। और ये है वो माउंट जिस पे आप ये माइक को माउंट कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्राईपॉड पे माउंट कर रहे हैं तो जस्ट आपको ऐसे पुश कर देना है और ये फिट हो जाएगा इस पे। और इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये कोल्ड शू माउंट। सो अगर आपको ट्राईपॉड पे इसको फिट करना है तो आप ये वाले स्क्रू को ट्राईपॉड के पीछे फिट कीजिए, ट्राईपॉड की जो क्लिप होती है क्लिप पे फिट कीजिए स्क्रू से, एंड देन ये है आपके सामने। इसको आप इजीली यहाँ से फिट कर सकते हैं और यहाँ से जस्ट ये टाइटन हो जाएगा। सो ट्राईपॉड आप हाथ में पकड़िए और ऐसे आप शूट कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है बिकॉज़ ये हमेशा आपके फेस के सामने रहेगा, यूनिडायरेक्शनल है, सो वो काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अच्छी तरह से साउंड कैप्चर करेगा इस तरह से। एंड इसके साथ हमें दो केबल्स मिल जाती हैं इनबॉक्स, एक TRS केबल, ये आपके स्मार्टफोन के लिए यूज़ होगा, दिस वन ये जाएगा, ये जैक जाएगा आपके माइक में, और ये 3.5 mm जैक जाएगा आपके फ़ोन में, और एक TRS केबल। सो इन दोनों केबल्स के बीच में डिफरेंस ये है कि ये केबल आपको देता है दो आउटपुट चैनल्स, एक राइट चैनल एक लेफ़्ट चैनल। इसमें एक एक्स्ट्रा चैनल मिलता है जो कि माइक्रोफोन चैनल होता है। फॉर एग्जांपल आप हेडफोन का एग्जांपल ले सकते हैं, एक ऐसा ईयरफोन जिसमें कि सिर्फ ऑडियो सुनने की कैपेबिलिटीज़ हो लेफ़्ट और राइट ईयर में, वो दो राइट और लेफ़्ट ऑडियो चैनल्स हो जाते हैं आपके, और एक ऐसा ईयरफोन जिसमें कि माइक भी अवेलेबल हो, सो वो माइक्रोफोन चैनल ये प्रोवाइड करता है, और इसको हम यूज़ करते हैं DSLR में। काफ़ी इजी सेटअप है इस माइक का भी, आराम से आप सेटअप कर सकते हैं, आराम से अपने फ़ोन पे माउंट करके इस माइक को, और आप अपने व्लॉग्स शूट कर सकते हैं। दीज वर द इनबॉक्स एक्सेसरीज ऑफ बोथ माइक्स। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो शूट हो रही है डायरेक्ट मेरे स्मार्टफोन कैमरा से। सो दोनों माइक्स मेरे सामने हैं और मैंने अभी अपने फ़ोन में कोई भी माइक फिट नहीं किया है। ये इस स्मार्टफोन का इनबिल्ट माइक्रोफोन है जिसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होगी, और इसके बाद मैं एक एक करके दोनों माइक्स लगाऊंगा अपने स्मार्टफोन में और उसकी ऑडियो आपको सुनाऊंगा, एंड देन यू कैन एनालाइज एंड फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑडियोज। सो गाइस, अभी मैं जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है बोया BY-M1 माइक पे। ये शॉटगन माइक मेरे सामने है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, और अभी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेवलियर माइक पे। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं स्मार्टफोन ऑडियो से कितना डिफ़र करता है ये साउंड, कितना किस हद तक नॉइज़ रिडक्शन कर रहा है, और कैसी क्वालिटी हमें साउंड आउटपुट की मिल रही है सुनने को, वो आप जज कर सकते हैं। अब मैं स्विच करता हूँ शॉटगन माइक पे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं शॉटगन माइक से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, और इसकी भी साउंड क्वालिटी, नॉइज़ रिडक्शन और बाकी सारे फीचर्स आप एनालाइज कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में है ये लेवलियर माइक, सो मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं शॉटगन माइक यूज़ कर रहा हूँ जो कि माउंटेड है मेरे ट्राईपॉड पे, और डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। और दिक्कत यही है इसमें कि एक जगह पे स्टेशनरी रहता है, सो अगर मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा यहाँ से तो आपको वॉइस में डिफरेंस समझ में आएगा।
So this was the sound output from the shotgun mic, Booyah BY-MM1. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी अपने टेरेस पर और अभी जो ऑडियो आउटपुट आप सुन रहे हो वो रॉ आउटपुट है मेरे स्मार्टफोन का। और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी नॉइज़ आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होगी, काफ़ी ज़्यादा आउटलियर्स होंगे साउंड में। और जैसे जैसे मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ यहाँ से वो साउंड में भी डिफरेंस पता चल रहा होगा, लाउड हो रही होगी और लो भी हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा वेरियंस आ रहा होगा साउंड में। तो अभी मैं शॉटगन माइक लगा के दिखाता हूँ आपको कि उसके साउंड में कितना डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो है बोया BY-MM1 शॉटगन माइक के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मालूम पड़ रही होगी अभी ऑडियो में। स्मार्टफोन ऑडियो जहाँ पे काफ़ी नॉइज़ी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन भी हुआ होगा। बट इसमें एक दिक्कत क्या है, अगर मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ इस माइक से तो मेरी वॉइस थोड़ी लो हो रही होगी। एंड सिंस दिस इज़ ए यूनी डायरेक्शनल माइक, ये एक ही डायरेक्शन में आपका वॉइस कैप्चर करता है। तो अभी क्या है, मैं इससे दूर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली साउंड लो हो रही है। मैं इससे थोड़ा लाइन ऑफ साइट से थोड़ा अलग जा रहा हूँ तब भी थोड़ी साउंड गड़बड़ हो रही होगी, थोड़ा कम हो रहा होगा। सो माई सजेशन इज़ दैट व्हेनेवर आप ब्लॉक कर रहे हो इसे, आप अपने माउथ से थोड़ा 2 फीट या 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये आराम से आपका वॉइस कैप्चर करेगा एंड इट विल गिव यू 100% रिजल्ट्स। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्मार्टफोन ऑडियो से, तो डेफिनेटली काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं अब स्विच करता हूँ बोया BY-MM1 लेवलियर माइक पे और उसका ऑडियो आउटपुट आपको सुनाता हूँ एंड देन यू कैन एनालाइज एंड फिगर आउट द डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ बोया BY-MM1 माइक पे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेवलियर माइक टी शर्ट के या शर्ट के कोई भी कॉलर हो उस पर फिट हो जाती है। और अभी मैं डायरेक्शन बाउंड नहीं हूँ, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मैं पोजीशन करूँगा अपने आप को वहाँ पे साउंड एग्जैक्टली परफेक्ट आएगी, वैसी ही आएगी एंड नॉइज़ रिडक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, स्मार्टफोन ऑडियो से काफ़ी बेटर आउटपुट मिलेगा। बट आउटडोर शूट्स में आप इसे प्रेफर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वायर, बिकॉज ये एक लिमिट तक ही जाती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इन स्टूडियो शूट कर रहे हो या कोई व्लॉग शूट कर रहे हो अपने घर के अंदर, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आउटडोर शूट कर रहे हो, आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उस टाइम आप शॉटगन माइक यूज़ करो बिकॉज दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। और कोई बाउंडेशंस नहीं रहेंगी, सो आप किसी भी जगह मूव कर सकते हो, जस्ट उसे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है एंड यू विल गेट प्रॉपर रिजल्ट्स। सो दिस वॉज आर आउटडोर रिव्यू फॉर बोथ द माइक्स। आई होप दैट ये जो इनडोर और आउटडोर सैम्पल मैंने ऑडियो आउटपुट्स के दिखाए इन दोनों माइक्स के, वो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे और अब आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से माइक के लिए आपको जाना है, स्पेशली फॉर आउटडोर और इनडोर व्लॉगिंग। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लेवलियर माइक को इनडोर शूट्स और इनडोर में जो वीडियोस आप शूट करते हैं, कोई भी वीडियो शूट करते हैं, उसके लिए आप लेवलियर माइक को प्रेफर कर सकते हैं। और आउटडोर शूटिंग के लिए शॉटगन माइक विल बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ पोर्टेबल एंड उसमें वायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, सो यू आर फ्री टू मूव योर हैंड इन एनी डायरेक्शन। जस्ट मेक श्योर दैट आप उसके प्रॉक्सिमिटी में रहें सो दैट द माइक कैचेज योर वॉइस लाउड एंड क्लियर। अदरवाइज एज पर परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव बोथ माइक्स आर इक्वली ग्रेट एंड गिव यू 100% रिजल्ट्स। अभी इन दोनों माइक्स के प्राइस की बात करें तो अमेजोन पे बोया BY-MM1 माइक मिल रही है 695 रुपीज़ में। ऑब्वियसली अभी प्राइस काफ़ी कम चल रहा है अमेज़ॉन पे, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस टू गो बाय दिस माइक राइट नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ व्लॉगिंग चैनल और समथिंग लाइक दैट। वहीं बात करें बोया BY-MM1 शॉटगन माइक की, तो ये अभी अमेज़ॉन पे मिल रही है 1,895 रुपीज़ में। मैंने आज अपने वीडियो पे ये दोनों बोया के माइक्स रिव्यू की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक, प्लीज़ कमेंट डाउन और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह कोई और भी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कैचेस के तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं ट्रैवल से और ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करने वाला हूँ अपने चैनल पे अलॉन्ग विथ सम रियली ग्रेट ट्रैवल ब्लॉग्स। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस चैनल. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.